परवेज नाम के एक साथी सवाल पूछते हैं कि मैयत का चेहरा देखना कैसा है। सबसे पहले तो आप अपने नाम पर गौर फिक्र करें, परवेज नाम रखना ठीक नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बादशाहों के नाम खतूत भेजे थे उनमें एक बादशाह वो था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा हुआ ख़त उसको फाड़ा था, चाक किया था। उसके बारे में आता है कि उसका नाम परवेज था, नाम था या लकब था, बहरहाल तो ये नाम नहीं रखना चाहिए, लोगों को इस पर गौर फिक्र करना चाहिए। दूसरी बात यह कि आपने ये सवाल पूछा है कि मैयत का चेहरा देखना, इस बात से इस मुतालिक ये बात याद रखें कि मैयत का चेहरा जनाजे की नमाज से पहले पहले देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैयत का चेहरा जनाजे की नमाज से पहले देख सकते हैं, जनाजे की नमाज के बाद ना देखें। हमारे यहाँ इस मुतालिक दो गलतियाँ पाई जाती हैं। एक गलती तो ये कि लोग जनाजे की नमाज के बाद कब्रिस्तान में ले जाने के बावजूद, कब्र के बराबर में जब बिल्कुल उतारने का वक्त होता है उसके बावजूद भी बहुत सारी लवायकीन जो उस वक्त तक नहीं आते उनको आने के लिए उनकी मोहब्बत में, उनकी मुरव्वत में मैयत का चेहरा खोल खोल के उस वक्त भी चेहरा दिखाते हैं। बहुत गलत बात है, मैयत की बेहुरमती है। और दूसरी गलती ये होती है कि जो लवायकीन दूर रहने की वजह से नहीं आ पाते, लोग वीडियो कॉल करके उस मैयत का चेहरा उसके लवायकीन को दिखाते हैं। ये मंजर मैंने अपनी आँखों से देखा कि एक मरतबा जो है वो किसी मैयत की जो है रिश्तेदार को, बेटी थी कौन थी, उसको वीडियो कॉल के ज़रिए से उस मैयत का चेहरा दिखा रहे, तो मोबाइल बिल्कुल उसके मुंह के ऊपर रख लिया, बिल्कुल उसके मुंह के ऊपर। अल्लाह की शान, बस क्या बोलूँ, मैंने ये मंजर खुद देखा कि जिसके हाथ में मोबाइल था मोबाइल उसके हाथ से छूट गया और मैयत के चेहरे पे गिरा, माथे पे गिरा और माथे पे ज़ख्म सा बन गया मैयत के। ये बेहुरमती। तो भाई वीडियो कॉल तो वैसे भी ना किया करें खुदा के वास्ते, और अगर चेहरा देखना हुआ करे तो नमाज जनाजे से पहले दिखा दिया करें, उसके बाद ना दिखाया करें। ये मैयत की बेहुरमती है। जिस यानी कि उस दुनिया से चला गया, अब उसके मकाम तक, उसके ठिकाने तक पहुँचाने में जल्दी करें, इसमें कोताही ना करें। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों से बचने की तौफीक अता फरमाए।